भाइयों यूरोप में चल रही इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी राजा कोम ने झंडे गाड़ दिए हैं। तो भाइयों अमर शियान जलाल ने जो कि बेल्जियम से संबंध रखते हैं उन्होंने बेल्जियम की तरफ से गोल्ड मेडल जीत लिया है जो कि चैंपियनशिप चल रही थी इंटरनेशनल चैंपियनशिप। और इन्होंने नीदरलैंड के 3 बार के चैंपियन रहे, नीदरलैंड कंट्री के 3 बार के चैंपियन रहे, उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और ये पहली बार अपनी बेल्जियम टीम के लिए खेल रहे थे, पहले भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। सबसे पहले जो चैंपियनशिप हुई थी जो बेल्जियम की यूथ चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप जीत गए थे। उसके बाद दूसरी जो चैंपियनशिप थी उसमें ये जो 18 साल के बाद होती है इसमें वे दूसरे नंबर पर आए थे, 22 चैंपियन रहे थे। फिर तीसरे बार भी 22 चैंपियन रहे थे और अभी इनको मौका मिला खेलने के लिए बेल्जियम की तरफ से और इन्होंने गोल्ड मेडल जीती है। नीदरलैंड हॉलैंड के प्लेयर को इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बुरी तरह से हराया जो कि बहुत बड़ी बात है, 3 बार के चैंपियन को हराना बहुत ही बड़ी बात है। और ये पीछे से रजौरी रियासी से संबंध रखते हैं, अभी ही कुछ दिनों पहले एक और जलाल कोम के बारिश ने जो कि यूके का पीटर ब्रफ का जो कि काउंसलर भी बना है। तो भाइयों जलालों के ये झंडे इसीलिए लहरा रहे हैं क्योंकि फॉरेन में सबसे ज़्यादा जो बड़ी आबादी में जलाल कौम आबाद है, शायद ही किसी और कौम की इतनी आबादी होगी जो कि जलालों की है। क्योंकि रजौरी रियासी मेरा भी जो गांव था बारख, वहां से भी मेरे नहीं भाई थे जो दूसरे धर्म में चले गए थे, वो बड़ी आबादी में 1947 में POK में चले गए थे, बिम्बर मीरपुर गुजरात पिंडी और कुछ 1947 में फॉरेन भी चद 1950 के बाद ही बहुत सारे बाहर चले गए। ये पहाड़ी नस्ल के है, पहले जम्मू कश्मीर एक ही होता था, रियासत जागीरें थी, रजौरी रियासत रही है और जिस मर्जी देश में रहे लेकिन हमेशा आगे आए, नाम रोशन जरूर करें।